Tam. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो अभी वापस से मैं रीजन टेस्ट कर रहा हूँ, इस बार हाई मोड में। तो मैं लो और डिफ़ॉल्ट मोड में ऑलरेडी रीजन टेस्ट कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और हाई वाले जो वीडियो है, डिफ़ॉल्ट वाला जो वीडियो है, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में देखने को मिल जाएगा। तो अभी हम इसे हाई मोड में डाल देते हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग को। तो ये अभी डिफ़ॉल्ट मोड में है, क्योंकि मैंने अभी डिफ़ॉल्ट मोड वाला रीजन किया था टेस्ट। तो अभी हाई मोड में मैं इसे स्विच कर रहा हूँ। तो अभी रीजनरेटिव ब्रेकिंग हाई मोड में है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और आप ये नोट डाउन कर लीजिए, ट्रिप मीटर 0 किलोमीटर दिखा रहा है, और रेंज जो है ये नॉर्मल मोड में 54 किलोमीटर दिखा रहा है। हमने सारे टेस्ट में नॉर्मल मोड की रीजन रेंज कंसिडर की है, इको मोड की रेंज कंसिडर नहीं की है। तो अगर आपको इको मोड का रेंज देखना है तो अभी आप देख सकते हैं, अभी तक टेस्ट स्टार्ट नहीं किया हमने। टेस्ट के बाद आप वापस चेक कर लीजिएगा। आप बैटरी परसेंट भी देख सकते हैं, 38% पे, और बैटरी का टेम्परेचर भी 23 डिग्री सेल्सियस पे है। तो बैटरी भी काफ़ी कूल है, मतलब ठंडी है अभी, तो रीजन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, मैक्सिमम रीजन हमें देखने को मिल जाएगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं टेस्ट और देखते हैं कि 5 किलोमीटर के बाद हमें कितना रेंज देखने को मिलता है, कितना बैटरी परसेंटेज बढ़ता है रीजन से हाई मोड में। तो अभी हम रीजन टेस्ट वापस स्टार्ट करते हैं। मैं इसे ड्राइव मोड में डाल देता हूँ। ड्राइव मोड में डालने के बाद ही रीजन काम करता है। अगर स्कूटर पूरी तरह से बंद हो चुका है, ड्राइव मोड में नहीं जा रहा है, तो आप रीजन से स्कूटर को चार्ज नहीं कर पाओगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, चैनल को अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो अभी रीजन हाई मोड में है, तो जो व्हीकल टो कर रहा है उसे भी काफ़ी दिक्कत होने वाली है टो करने में। इसके बाद हम फोर्स रीजन को टेस्ट करने की ट्राई करने वाले, देखते हैं कि हम फोर्स रीजन को टेस्ट कर पाते हैं नहीं, क्योंकि उसमें जो ब्रेकिंग पावर है वो बहुत ही ज़्यादा है फोर्स रीजन में, तो टो करना काफ़ी मुश्किल होगा अगर फोर्स रीजन के साथ टो किया जाए तो। हाई रीजन के साथ भी काफ़ी ज़्यादा एक्सलर्ट करना पड़ रहा है टोविंग व्हीकल को। तो ऑलरेडी 1 किलोमीटर से रेंज बढ़ चुका है, 55 हो चुका है, 53 तक स्टार्ट किया जब तो 55 हो चुका है। 0.5 किलोमीटर ही हमने टो किया है, फिर 0.4 किलोमीटर, और उतने में ही 1 किलोमीटर से रेंज बढ़ चुका है। शायद वो उतना बढ़ा हुआ होगा, बट थोड़ा सा ऐड होने के बाद वो थोड़ा बढ़ चुका है। पहले वाला डिफ़ॉल्ट और लो का वीडियो अगर नहीं देखा है तो उसे जाके आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियोस का, तो उन्हें भी जाके आप देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस आता है लो, डिफ़ॉल्ट और हाई रीजन के मोड्स। तो 2.5 किलोमीटर हमने टो कर लिया है, और 3 किलोमीटर से ऑलरेडी रेंज बढ़ चुका है हमारा। तो यहाँ से
से अभी हम यू टर्न लेंगे, थोड़ा अंदर जाके यू टर्न ले लेते ताकि प्रॉब्लम ना हो कोई। जास्त जागेवर घेतला तो म्हणून इकडं 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 टाक त्याला, हां मागं टाक, मागून ओढून घे। सो गाइस 2.7 किलोमीटर हमने टो कर लिए हैं, लास्ट के 100 से 150 मीटर हमने स्लो में टो किया है क्योंकि हमें यू टर्न लेना था। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ऑलरेडी 40% बैटरी हो चुका है और रेंज 3 किलोमीटर से बढ़ चुका है, 57 किलोमीटर का रेंज ऑलरेडी हो चुका है। तो 54, 55 और 57 अभी हो चुका है रेंज। तो अभी देखते हैं 5 किलोमीटर कंप्लीट होने तक हाई मोड में कितना रेंज बढ़ता है और कितना बैटरी परसेंटेज बढ़ता है। किलोमीटर हमने टो कर लिया है और 58 किलोमीटर की रेंज हमें दिखा रहा है, तो 4 किलोमीटर से ऑलरेडी रेंज बढ़ चुका है। बस 3.5 किलोमीटर टो करने में ही 4 किलोमीटर से रेंज बढ़ चुका है। तो काफ़ी फास्ट रीजन हमें मिल रहा है हाई मोड में और बैटरी भी काफ़ी फास्ट चार्ज हो रही है। किलोमीटर हो चुका है बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा करने वाले हम लोग, क्योंकि हमने जो 300 मीटर है वो बहुत ही स्लो में किया था क्योंकि टर्न लेना था हमें। तो 5 किलोमीटर कंप्लीट हो चुका है और 60 किलोमीटर का रेंज दिखा रहे हैं, मतलब 6 किलोमीटर रेंज बढ़ चुका है। 5 किलोमीटर टो करते ही 6 किलोमीटर का रेंज भी बढ़ चुका है। तो थोड़ा और चलते और देखते हैं कितना बढ़ता है एक्चुअल में। सो गाइस 5 किलोमीटर हमने टो कर लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं 5.5 दिखा रहा है क्योंकि यू टर्न में थोड़ा सा बढ़ गया था। तो 5 किलोमीटर हमने टो कर लिया है और जैसे कि आप देख सकते हैं 42% बैटरी हो चुका है। तो हमने स्टार्ट किया था तब करीब 38% बैटरी था, तो अभी 42 हो चुका है जैसे कि आप देख सकते हैं। और रेंज भी
6 किलोमीटर से बढ़ चुका है, क्योंकि 54 किलोमीटर की रेंज हमें दिखा रहा था जब हमने स्टार्ट किया था तब। तो काफ़ी ज़्यादा रीजन हमें हाई मोड में देखने को मिलता है, हाई रीजनरेटिव ब्रेकिंग के मोड में देखने को मिलता है। तो इसके बाद हम फर्स्ट रीजन टेस्ट करने वाले हैं, तो पता नहीं ये रस्सी टिक पाएगी या नहीं टिक पाएगी फोर्स रीजन में, क्योंकि भी आपको पता है फोर्स रीजन का जो ब्रेकिंग पावर है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। पता नहीं हम टो भी कर पाएंगे या नहीं, पर थोड़ा बहुत ट्राई करके मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो हमें हाई रीजन मोड का रिजल्ट मिल चुका है जैसे कि अभी आपने देखा। अगर आपने इको मोड का नहीं देखा था तो आप यहाँ पे टेस्ट चेक कर सकते हैं, इको मोड का स्टार्टिंग में कितना था और एंड में कितना था। वैसे मैं वीडियो में डाल ही दूंगा कि कितना था इको मोड का रेंज स्टार्टिंग में और एंड में कितना था। तो बैटरी का टेम्परेचर भी 2 डिग्री से बढ़ा है हाई मोड के टाइम पे, हाई में जब हमने रीजन टेस्ट किया तो 2 डिग्री से बैटरी का टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ है। तो अभी देखते हैं फोर्स रीजन में हम टेस्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते। अगर आपको जानना है कि फोर्स रीजन में कितना रेंज बढ़ता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि 90% लोग जो मेरे वीडियोस देखते हैं उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।